तो अब हम लोग देखेंगे कि सूडो क्लास क्या होता है और इसको कैसे यूज करते हैं। तो सूडो क्लास क्या होता है कि एक एलिमेंट का स्पेशल स्टेट को हम लोग सूडो क्लास बोलते हैं। जैसे एंकर टैग जो होता है, लिंक होता है, उसके ऊपर अगर हम माउस होवर करते हैं तो उसका कलर चेंज होता है। तो ये जो माउस होवर करना हुआ, ये होता है स्टेट, या फिर वो क्लिक कर दिया गया है और वो विजिटेड है, वो भी है एक स्टेट। तो मैं पहले आपको इसका ये दिखाता हूँ कि सिंटेक्स क्या है सूडो क्लास का। तो सूडो कुछ इस तरीके का है कि पहले आप सेलेक्टर लिखते हो, उसके बाद कॉलन डालते हो, और यहाँ पे फिर सूडो क्लास डालते हो, और उसके बाद नॉर्मल सीएसएस जैसे लिखते हो। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रहने दूँ और आपको दिखाऊँ, तो आप देखोगे कि ऑलरेडी एंकर का, जब मैं बता रहा था कि एंकर टैग किस तरीके से स्टाइल किया था, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे मैंने ऑलरेडी बता दिया था। जैसे देखो, एंकर टैग मैंने सेलेक्ट किया, ये हो गया सेलेक्टर, उसके बाद मैंने ले लिया था लिंक, या फिर मैंने कर दिया था होवर, ए लिया था और यहाँ पे कर दिया था होवर, ऐसा मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था एंकर टैग में। तो यही है सूडो क्लास, मतलब किसी एक एलिमेंट का स्पेशल स्टेट को हम लोग सूडो क्लास बोलते हैं, जब हम लोग उस स्टेट पे स्टाइलिंग कर रहे होते हैं। तो अब कुछ सूडो क्लास और भी हैं इनके अलावा, जो कि एंकर टैग है। वैसे तो सूडो क्लासेस बहुत ज्यादा है, सबको कवर कर पाना मुश्किल होगा और सबको यूज भी नहीं होता इतना ज्यादा। तो जो जो चीजें यूज होती है, मैं वही चीज आपको बता देता हूँ। वैसे आप लोग एक बार जाकर देख लेना, ऑनलाइन सर्च कर लेना सूडो क्लासेस इन सीएसएस, आपको सारी चीजें विद एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो ये एग्जाम्पल दिखाने के लिए मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ कि 3 4 p-tag बनाता हूँ, 5 p-tag बनाता हूँ, और उसमें रैंडमली मैं एक काम करता हूँ, कॉपी कर दूंगा मैं टेक्स्ट। तो दिस इज, तो मैं बाकी हटा के इसी को 5 बार कॉपी कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक H1 भी ले लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग 1, और यहाँ पे एक UL टैग लेते हैं, उसके अंदर एक LI लेते हैं, 3 या 5 LI भी ले लेते हैं, और उसमें डाल देते हैं लिस्ट आइटम, और सेम इसी लिस्ट को कॉपी करके और बार बार पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब आप आउटपुट पहले देखो कि क्या आता है आउटपुट। जब मैं रिफ्रेश करता हूँ, एक हेडिंग आता है, कुछ p-tag आते हैं और एक लिस्ट आइटम आता है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि मेन जो सूडो क्लासेज है उसको कैसे यूज करते हैं। एक तो एंकर टैग का मैंने ऑलरेडी बता दिया, इसलिए मैं यहाँ पे कवर नहीं करूंगा, क्योंकि वो टाइम वेस्ट होगा बार बार एक ही चीज को बताना। तो अब मान लो मेरे पास एक केस है कि मुझे पता नहीं है कि कितने स्टाइल है। मान लो मैं चाहता हूँ कि जो लिस्ट है उसका पहला आइटम को मुझे स्टाइल करना है, ठीक है, और मैं यहाँ पे आईडी नहीं देना चाहता, तो मैं कैसे करूंगा। मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि लिखूंगा LI, मतलब सेलेक्टर, और उसके बाद यहाँ पे सूडो क्लास देंगे। तो सूडो क्लास क्या है, हम यहाँ पे दे सकते हैं फर्स्ट क्लास, फर्स्ट चाइल्ड, सॉरी फर्स्ट चाइल्ड देंगे हम लोग यहाँ पे। तो इससे क्या होगा कि जो LI का पहला चाइल्ड होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कलर रेड। अब देखो क्या होता है, अब जो पहला लिस्ट आइटम था वो रेड हो गया ऑटोमेटिक। अब आप पूछोगे कि ये कहाँ पे काम आएगा, ये तब काम आएगा जब ये पूरा सेक्शन डायनेमिक जनरेट हो रहा हो। मतलब आप वहां पे आईडी लिख ही नहीं सकते, ये तो डायनेमिक आएगा आपके पास। तो आप लेकिन चाहते हो कि पहला वाला हाईलाइट करना है, तो अब यहाँ पे मैं फर्स्ट की जगह पे लास्ट भी करूँ तो भी काम करेगा। तो उसमें क्या करना है, आपको लिखना है लास्ट। अब देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब ये लास्ट वाला आइटम स्टाइल हो गया। अब नेक्स्ट क्या है कि हो सकता है कि मैं फर्स्ट और लास्ट नहीं, कोई पैटर्न देना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ कि हर एक तीसरे के बाद वो हो जाए खुद से, मतलब ये थर्ड वाला आप अगर देखोगे तो। या मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट और लास्ट नहीं, मैं चाहता हूँ कि अभी फोर्थ वाला को हाईलाइट करना है, ठीक है, तो फिर कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या फोर्थ लिखना है, नहीं ये फर्स्ट और लास्ट के लिए ऐसा केस आता है। अगर वैसा आपको करना है तो आपके लिए एक और सूडो क्लास है, उसको बोलते हैं nth चाइल्ड, और यहाँ पे ब्रैकेट में आपको देना पड़ता है कि कौन सा चाइल्ड। तो मैं, मुझे अभी फोर्थ वाला हाईलाइट करना था, मैंने फोर्थ कर दिया यहाँ पे। अब देखो ये फोर्थ वाला हाईलाइट हो जाएगा, ये देखो फोर्थ लिस्ट आइटम हाईलाइट हो गया, रेड हो गया। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे चाहूँ तो ऑड इवन वाले को भी करवा सकता हूँ।
तो यहाँ पे सिर्फ नंबर ही नहीं, आप ऑड इवन भी पास कर सकते हो। जैसे देखो अभी मैंने ऑड बस पास कर दिया, तो अब क्या होगा, ऑड नंबर पे जितने हैं सब रेड हो जाएगा। ये देखो पहला, तीसरा और पांचवा रेड हो गया। अब इसी तरीके से मैं चाहूँ तो यहाँ पे इवन भी कर सकता हूँ। अब क्या होगा कि इवन वाला हाईलाइट हो जाएगा सिर्फ, देखो इवन वाला सिर्फ हाईलाइट हो गया। और इसके साथ मैं एक पैटर्न भी बना सकता हूँ। मान लो मुझे पैटर्न क्या चाहिए कि 3n+0, कोई पैटर्न होगा। मान लो कि मुझे एक चाहिए होगा कि 3n+0, n क्या है कि n में पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, ऐसा आता रहेगा। ठीक है, तो मैं डालता हूँ 3n+0। तो इसमें क्या होगा कि अगर जब 0 आया तो 0 हो जाएगा, और जब 1 आएगा तो सीधा 3 हो जाएगा, और जब 2 आएगा तो सीधा 6 हो जाएगा। तो अब देखो इसमें ये क्या होता है, मतलब एक तरह से समझ लो तो 3n है ये। ठीक है, अब देखो थर्ड हो गया और सिक्स हो गया हाईलाइट। अगर मैं चाहता तो इसको मैं कर सकता था 1+1। ठीक है, तो ये एक नया पैटर्न की तरह बनाएगा। देखो तो उसी तरीके से आप यहाँ पे एक पैटर्न डाल सकते हो, डायरेक्ट नंबर डाल सकते हो, या ऑड इवन वगैरह डाल सकते हो। अब बात यह आता है कि यहाँ पे जो आपने डाला है एंथ चाइल्ड, तो आप इसको यहाँ पे एंथ लास्ट चाइल्ड भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने मान लो मैं यहाँ पे लास्ट चाइल्ड कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 2, तो नीचे से जो दूसरा होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। ये देखो नीचे से दूसरा हाईलाइट हो गया। अब जो मैं एक और इम्पोर्टेंट दिखाने वाला हूँ वो है फोकस। उसमें क्या होता है उस सुडो क्लास में, कि मान लो आपने एक फॉर्म बनाया है और इनपुट क्लास दिया, इनपुट टैग बनाया है। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। अब देखो पहले आउटपुट देखो अभी क्या है, ये ऐसा है। ठीक है, तो जब आप इसके अंदर जाते हो तो क्या हो रहा है, ये डार्क हो जा रहा है। देखो अभी मैं बाहर हूं तो बॉर्डर हल्का है, और जब मैं इसके पे क्लिक कर दे रहा हूँ लिखने के लिए रेडी हो रहा हूँ तो वो डार्क हो जा रहा है। तो इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं फोकस। तो आप चाहो तो इसको भी चेंज कर सकते हो। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे सुडो क्लासेस हैं, आप एक एक करके जाके देख लेना। तो मैं इसमें क्या करता हूँ कि सिर्फ लिखता हूँ इनपुट, और यहाँ पे सुडो क्लास लगाऊंगा फोकस, और इसके बाद यहाँ पे करूंगा बॉर्डर 1 पिक्स या 3 पिक्सल सॉलिड रेड। अब देखो ये दिखेगा, मैं आ गया, मैंने इसको रिफ्रेश किया, अभी ये हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं फोकस करूंगा ये रेड कलर का बन गया। तो यही होता है सुडो क्लास। बहुत सारे सुडो क्लास है, वैसे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर ये एंथ क्लास वाला और एंकर टैग वाला यूज होता है, फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड यही यूज होता है, और उसके अलावा ये फोकस वाला काम यूज होगा आपका। बट अगर देखना चाहते हो तो जाके सिर्फ सर्च कर सकते हो कि CSS सुडो क्लास, तो आपको दिख जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है सारे के सारे सुडो क्लासेस, जैसे देखो यहाँ पे एक्टिव है, चेक्ड है, डिसेबल्ड है, एम्प्टी है। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे लग सकता है, और एग्जाम्पल भी है, तो आप जाके देख सकते हो। बहुत सारे हैं यहाँ पे सारे सुडो क्लासेस। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको चैनल को दोबारा ढूंढना ना पड़े, और जब भी मैं कोई ऐसा कंटेंट बनाऊं तो वो आप तक पहुंच सके।